सीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा भाई अपमान को नमस्कार। आज आलोच्य विषय हू कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंद, हू कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंद प्रसंग रे आलोचना करिवा निमन्ते पंडिचेरी श्री अरविंद आश्रम आलोक भाई डॉक्टर आलोक पांडे को अनुरोध करुछि। आलोक भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। नमस्ते। सीमा के सभी संतान भाई बहन सबको नमन है। ये जो विषय है हु कैन अंडरस्टैंड शिरविंदो, ये एक प्रश्न नहीं है, ये एक आमंत्रण है। श्री अरविंद को समझने में बहुत लोगों को कठिनाई होती है, तो उन्होंने माताजी को एक पत्र लिखा कि मुझे ये नहीं समझ आता है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो श्री माँ ने उसके उत्तर में बड़ा सुंदर एक जो उत्तर दिया है उन्होंने, उसमें ये पहला वाक्य आता है हु कैन अंडरस्टैंड शिरविंदो। तो ये वाक्य ही अपने आप में बहुत पावरफुल है, और इससे मुझे ईश उपनिषद की एक पंक्ति याद आती है, अविज्ञातम विजानता विज्ञातम अविजानता। वे जो समझते हैं कि वो जानते हैं, वे वास्तव में नहीं जानते, लेकिन वे जो समझते हैं कि वे नहीं जानते, वे जानते हैं। ये अपने आप में बड़ी अद्भुत लाइन है, लेकिन ये इसका परिचय करती है कि हम जिसकी खोज में निकले हैं वो अनंत है। श्री अरविंद कोई एक सीमित विश्वास, एक सीमित विचारधारा, एक सीमित लक्ष्य लेकर के हमारे सामने नहीं आए हैं। लक्ष्य भी कैसा है, जो उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। मोक्ष एक सीमित लक्ष्य है, हम यहां से शुरू करेंगे, मोक्ष में जाके समाप्त हो जाएगा। सेल्फ एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन एक सीमित लक्ष्य है, लेकिन रूपांतरण अपने आप में एक सीमित लक्ष्य नहीं है। परफेक्शन अपने आप में सीमित लक्ष्य नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम इसमें प्रगति करते जाएंगे, हमारे सामने चेतना के, प्रकृति के, विजय के और भी नए 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 मार्ग खुलते चले जाएंगे। एक असीम अनंत विस्तार की ओर श्री अरविंद हमको खोजते हैं, खोलते हैं। और ये भाव बड़ा सुंदर है, बहुत लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि अरे बड़ा कठिन योग है, बहुत लंबा हमको जाना है। लेकिन सच पूछा जाए तो जब हम इस भाव से देखते हैं कि एक अनंत असीम अपार भूमि पर श्री अरविंद हमको बुला रहे हैं, तो क्या होता है, हम एक बच्चे की तरह बन जाते हैं। बच्चे के लिए सब कुछ वंडर से भरा होता है, जिसको कहते हैं वंडरफुल, अद्भुत, आश्चर्य से भरा हुआ। तो पहला हमको गिफ्ट मिलता है इस योग में आते ही कि हम इतने बड़े हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतने पंडित हैं, जो जो चीज हम अपने विजिटिंग कार्ड पर लगा के रखते हैं वो सब खत्म हो जाता है, उसकी जगह हम लोग माता जी के बच्चे बन जाते हैं। क्योंकि एक बच्चा माँ के सबसे करीब रहता है, और वो अपनी माँ का हाव भाव देख के उसको अपने जीवन में उतारने लगता है, अपनाने लगता है, और यदि माँ की इच्छा के अनुसार चले तो धीरे धीरे वो उस दिशा में बढ़ने लगता है जहां उसको माँ ले जाना चाहती है। तो पहली जो हम लोगों को आवश्यक है किस अवस्था में जाना, जिसमें प्रवेश करके हम श्री अरविंद के उस अथाह अपार ज्ञान में प्रवेश कर सकते हैं, वो है विनम्रता, और एक है शिशु भाव। शिशु भाव, मुझे कुछ नहीं जानना आता लेकिन मुझे सब कुछ जानना है। एक भाव होता है जिसमें हम कहते हैं मुझे कुछ आता नहीं और मैं कुछ जानना नहीं चाहता हूं, वो एक अज्ञान तमस का भाव है। एक दूसरा होता है मुझे आता है बहुत कुछ, चलो मैं श्री अरविंद को भी पढ़ता हूं, देखता हूं कि इसमें क्या लिखा है। ये एक मूढ़ पंडित का भाव है, जो ये समझता है कि वो जानता है। किंतु एक भाव कि मुझे नहीं आता किंतु मेरे अंदर प्यास है, मैं जानना चाहता हूं, केवल एक किताब से पढ़कर नहीं, किंतु किताब पढ़कर उसके सत्य को आत्मसात करके वैसा बनकर। माता जी ने बड़ी सुंदर मैसेज दिया था 1960 में, आज से 60 वर्ष पूर्व, टू नो इज गुड, टू लिव दैट इज बेटर, टू बी दैट इज परफेक्ट।
जानना अच्छा है, जानना एक पहला कदम है, टू लिव दैट इज बेटर, लेकिन अगर हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो क्या फायदा है। माता जी अपनी एक प्रार्थना में लिखती हैं कि एक टीचिंग तभी प्रॉफिटेबल होती है, तभी उपयोगी होती है यदि हम उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो जहां तक जानने का सवाल है, सतही तौर पर किताबें हैं, बहुत से लोग हैं वक्तव्य देने वाले हैं, आजकल ऑनलाइन भी सिस्टम है, बहुत कुछ शुरू है। लेकिन जहां कठिनाई आती है वो ये नहीं कि पढ़ने की बात है, हम लोग केवल एक वाक्य श्री अरविंद का उठा ले, आधा वाक्य उठा ले, माता जी बी सिंसियर। डाइनिंग रूम में जब हम आश्रम में प्रवेश करते हैं तो एक जगह लिखा है कि ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस इज मच बेटर देन अ नोशन ऑफ थ्योरी इज गुड एडवाइसेज एंड रिजोल्यूशंस। केवल एक वाक्य उठा ले, बिकम कॉन्शियस। माता जी से जब किसी ने पूछा था कि हम क्या करें जिससे हम योग के लिए तैयार हों, तो माँ ने कहा बिकम कॉन्शियस, हम क्यों करते हैं जो करते हैं उसके प्रति सचेत होना। या एक शब्द उठा ले, सरेंडर। क्या है सरेंडर? ये शब्द हम सब सुनते हैं, हम सबको, हमको लगता है हम लोग जानते हैं, लेकिन सरेंडर की अगर हम गहराई में उतरते जाएंगे, प्रारंभ कहां से होता है? प्रारंभ होता है कि सरेंडर, हमारा जीवन, हमारा भाग्य, हमारी डेस्टिनी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हम जैसे हैं जो हमारे पास है। अब ये तो प्रारंभ हुआ, लेकिन ये बढ़ते 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 अंत कहां होता है? अंत वहां होता है कि ना हम हैं ना हमारा कुछ है, माँ लेट दाई विल बी डन, लेट दाई विल बी डन, लेट दाई विल बी डन। मेरा कोई संकल्प नहीं, केवल तुम्हारा संकल्प सिद्ध हो। मेरी कोई इच्छा कामना नहीं, केवल तुम्हारी इच्छा संसार में सिद्ध हो। मेरी कोई अपनी व्यक्तिगत चाह नहीं, केवल वो हो जो तुम चाहती हो। तो प्रारंभ में मैं हूं और समर्पण कर रहा हूं, अंत में केवल माँ है। तो ये एक लंबी यात्रा है, मैं और आपसे प्रारंभ होती है, लेकिन केवल माँ उससे अंत होती है, और ये एक बहुत लंबी यात्रा है। तो एक शब्द की भी अगर हम गहराई में चले जाएं तो पूरे जीवन की यात्रा है, पूरे जीवन का सार है। श्री अरविंद यहां तक कहते हैं कि श्री अरविंद का योग सरेंडर से प्रारंभ होता है, सरेंडर के द्वारा वो आगे बढ़ता है, और संपूर्ण सरेंडर के साथ वो उसका अपना एफर्ट समाप्त हो जाता है। हम इतना भी आगे क्यों बढ़े, हम केवल एक शब्द को ले लें जो श्री अरविंद ने मूल मंत्र के रूप में दिया है, वो क्या है? माँ। अब माँ, हम लोग माँ के नाम का जप करते हैं और बहुत पावरफुल है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर माँ शब्द की गहराई में हम उतरे तो माँ कौन है? पूरा श्री अरविंद क्या माँ वो है जो केवल 21 फरवरी 1878 को जन्मती है? हाँ, इस युग में, इस काल में माँ ने ये रूप धारण किया, इसलिए हमें वंदनीय है, क्योंकि ये माता जी का वह रूप है जिसके द्वारा हम सबका रूपांतरण होना है, जिसके द्वार से हम उनकी अनंतता में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन माँ ये भी कहती है कि आई एम मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। माँ ये भी कहती है कि जब से सृष्टि बनी है तब से मैं यहां पर परमानेंटली हूं, मैं पृथ्वी को छोड़कर कभी गई ही नहीं। माँ ये भी कहती है कि मैं इतनी विशाल हूं कि पूरी सृष्टि मेरे अंदर समाई हुई है। और श्री अरविंद जब माँ के बारे में बताते हैं तो कहते हैं, दी वन हुम वी अडोर एज द डिवाइन मदर इज द कॉन्शियस फोर्स, कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द सुप्रीम वन एंड येट मेनी साइडेड। एक है माँ, लेकिन उनके कितने रूप हैं, कितने तरीके, कितनी शक्तियां हैं, कितने विभिन्न तरीकों से वो कार्य करती हैं पूरी सृष्टि में, कि देवताओं के लिए भी उनके समझना असंभव है। तो अब ये सब है माँ, और इस एक शब्द में कितनी गहराई है। माँ कौन है? सृष्टि का आदि स्रोत है, जिसको उपनिषद कहते हैं द गोल्डन वूम्ब ऑफ क्रिएटेड थिंग्स। और भी इसके आगे माँ बताती है एक जगह कि जिस प्रेम को वो साथ में लेके आई है वो मैनिफेस्ट प्रकट जगत, अनमैनिफेस्ट जो प्रकट नहीं है उसके भी परे से लाई है। तो एक शब्द को ही अगर हम पकड़ लें, इसीलिए जब माता जी बताती हैं हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंद, कौन समझ सकता है श्री अरविंद को, ही इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड उनको समझने में लग जाए, सारे मनुष्य, सुर, नर, ऋषि, मुनि, गंधर्व, देवता, भिन्न भिन्न लोकों के प्राणी, ये सब मिलकर अगर उनको समझने में लग जाए तो कुछ फिर भी रह जाएगा जो वो नहीं समझ पाएंगे। जो श्री माँ के बारे में श्री अरविंद कहते हैं
कि इवन द गॉड्स कैनॉट अंडरस्टैंड, इवन द स्विफ्टेस्ट एंड मोस्ट ल्यूमिनस इंटेलिजेंस कैनॉट अंडरस्टैंड, वही बात श्री अरविंद के साथ होती है. ही इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स. ब्रह्मांड की प्रत्येक विधा, ब्रह्मांड की प्रत्येक गति, ब्रह्मांड की प्रत्येक शक्ति, ब्रह्मांड की प्रत्येक सत्ता श्री अरविंद के द्वारा हम समझ सकते हैं. लेकिन इन सबको मिला करके, इन सबको समझ करके यदि हम श्री अरविंद को समझना चाहें तो हम नहीं समझ पाएंगे. ही इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स. आगे कहती हैं, एंड हिज टीचिंग इज इन्फिनिट. अब कोई भी शिक्षा है वो अनंत कैसे हो सकती है? शिक्षा तो हम लोग जानते हैं कि सीमित होती है. श्री अरविंद की शिक्षा अनंत है, क्योंकि बाहर से शब्द के भीतर 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 जाते वो अनंत से प्रकट हुई है. उस शिक्षा में अनंत ने स्वयं को सीमित किया है. और यदि हम इसको, इसकी गहराई में उतरें, एक नैरो मेंटल डॉगमा नहीं बनाए जैसा कि अक्सर लोग करते हैं. माँ कहती कि श्री अरविंद की शिक्षा को कभी नैरो रिजिड मेंटल डॉगमा में नहीं बनाना चाहिए, जिसका अर्थ ये हुआ कि हम ये कहें हमने जैसे श्री अरविंद को समझाया वही बस अल्टीमेट है. माँ कहती है वो तुम्हारे लिए उचित है, लेकिन कोई और उसको दूसरे रूप में समझता है. ये सब शिक्षा को अपने अपने ढंग से हम अप्रोच करते हैं, लेकिन वो शिक्षा अपने आप में अनंत है, क्योंकि वो अनंत से आई है. तो ये शिक्षा वो शिक्षा है जिसको अगर हम, जिसकी गहराई में उतरे तो वो हमको अनंतता की ओर ले जाएगी. इसलिए दिस टीचिंग इज इन्फिनिट. जब तक हम इसको मन की सीमाओं में बांध रहे हैं तो हम अभी वास्तव में तैयार नहीं हुए. ही इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स एंड इज टीचिंग इन इन्फिनिट. तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर हम क्या करें? इतना विशाल, हमारे सामने इतना बड़ा लैंडस्केप. श्री अरविंद देख देख के बताते हैं कि साधारण जो स्विमिंग पूल की तरह या आर्टिफिशियल कैनाल जो नाला होता है वैसे होते हैं, जहां इधर से उधर तक तैर करके हम पार कर जाते हैं. लेकिन जिस शिक्षा को मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं, श्री अरविंद बताते हैं योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स में, वो तो अथाह विशाल समुद्र की तरह है. और इसको हम जहां से भी जाएं, जैसे भी जाएं, हम ये एक अथाह समुद्र के भीतर प्रवेश करते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, तो जो अंतहीन है. तो फिर हम क्या करें? एक तरीका है, अगर हम क्षीर सागर को मापने जाएंगे तो नहीं माप सकते. श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि भगवान के ज्ञान को मापने के लिए कुछ इस प्रकार से, जैसे एक नमक की गुड़िया अगर आप समुद्र में डाल दें कि मैं देखता हूं कि समुद्र की गहराई कितनी है, तो जब तक आप धागा खोलोगे तो गुड़िया पूरी गल गई होगी. लेकिन एक तरीका है, द ओनली वे टू कम ए लिटिल नियर टू हिम. उनको अगर हम जानना चाहते हैं श्री अरविंद को, तो एक उपाय है, और वो उपाय है द ओनली वे वी कैन कम ए लिटिल नियर टू हिम इज टू लव हिम. प्रेम के द्वारा, वो चीज जो हम ज्ञान से नहीं जान सकते, मेधा शक्ति से नहीं जान सकते. उपनिषद इसका हिंट देती है, ना यम आत्मा न मेधा न बहु ना श्रुतेन. बड़ा सुंदर हिंट है जिसमें बीच में एक मिसिंग लाइन है. मिसिंग लाइन को मां पूरा कर रही है. मेधा शक्ति के द्वारा, इंटेलेक्ट के द्वारा, विचार के द्वारा, सोच के द्वारा हम नहीं जान सकते भगवान को, एनालिसिस के द्वारा. फिर कैसे हम जान सकते हैं? यम वेशे व्रणुते तेन लभ्यस्तस्य से आत्मा भी व्रणुते तनुस्वाम. जब ये आत्मा स्वयं चाहती है तो स्वयं को प्रकट करती है. तो दोनों को लिंक हम कैसे करें? तो दोनों को लिंक करने वाली जो कड़ी है वो है प्रेम. द ओनली वे टू कम ए लिटिल नियर टू हिम इज टू लव हिम. अब इसका मैं कई बार ऐसे उदाहरण देता हूं कि कोई व्यक्ति किसी को अगर जानना चाहता है और उसके घर में जाता है, तो अगर वो केवल स्टडी रूम में चला जाए तो वो उस व्यक्ति के विचारों को जान सकता है कि ये कैसी किताबें पढ़ते हैं, कैसा इनका, और थोड़ा वार्तालाप कर सकता है एक स्टूडेंट टीचर की तरह. लेकिन श्री अरविंद केवल एक टीचर नहीं है, केवल एक गुरु नहीं है, उससे भी अधिक है. फिर वो अगर उनको और थोड़ा करीब से जानना चाहता है तो उनका स्लेव बन सकता है, मास्टर एंड डिसाइपल, कि आप हमारे स्वामी हो. तो स्लेव कहां होता है? वो केवल स्टडी रूम में नहीं रहता है, जहां जहां मालिक जाते हैं, स्वामी जाते हैं, वहां वहां जाता है, तो वो उनको जानने लगता है. और तीसरा तरीका है उनका प्रेमी बनकर. तो स्लेव को जब भगवान शयन कक्ष में जाते हैं तो स्लेव बाहर रहता है, भगवान की कोई भी इच्छा है, कोई संकल्प है पूरा करने के लिए, प्रेमी उनके साथ उनके स्वप्न जगत में जाता है, जहां वो प्रकट करते हैं जो उन्होंने किसी को नहीं किया प्रकट किया. तो माँ यहां हमको दो क्लू देती है कि हम श्री अरविंद को नहीं जान सकते केवल इंटेलेक्ट से, लेकिन एक उपाय है इज टू लव हिम
एंड टू गिव वन सेल्फ अनरिजर्वेडली टू हिज वर्क. तो यहां दोनों भाव है, एक प्रेम भक्ति श्रद्धा इसका भाव है, दूसरा एक सेवक का भाव है. तो ये दो भाव अगर हमारे उनके प्रति रहेंगे कि हे प्रभु हम आपको प्रेम भक्ति टू लव हिम. शेयरविंद एक गुरु केवल नहीं है, और वैसे भी गुरु की भक्ति, शेयरविंद तो स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म जिन्होंने शरीर रूप धारण करके करुणावश हमारे पास आए हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी. वे चाहते तो वो अपने धाम में आनंद से रह सकते थे. और बहुत सारे देवता हैं, हम लोग सुनते हैं कि बड़े बड़े देवता हैं, कोई उस गगन के छोर में रहता है, कोई इस नक्षत्र मंडल में रहता है, कोई कहीं और विश्राम करता है, कोई किसी लोक में भ्रमण करता है. लेकिन शेयरविंद एक लाइन है सावित्री में, ए गॉड कम डाउन एंड ग्रेटर बाय हिज फॉल. वो उस लोक को त्याग कर, मां शेयरविंद, सावित्री में भी इसकी लाइन आती है जब सावित्री को चुनाव करना पड़ता है कि आप आओ अपने परम धाम में चलिए आओ, और सावित्री कहती है कि अर्थ इज द चोजन प्लेस ऑफ माइटीएस्ट सोल्स, आई सेक्रीफाइज नॉट दिस अर्थ फॉर दाई हैप्पियर वर्ल्ड्स. मैं इस धरती को, मनुष्यता को सेक्रीफाइज नहीं करूंगी उन लोकों में आने के लिए. क्यों? क्योंकि यहां भगवान का काम हो रहा है, यहां भगवान बसते हैं. तो यहां पर मां कहती है टू लव हिम. लव किस लिए? क्योंकि जो इतना प्रेम हमसे करते हैं कि जिन्होंने बिना कुछ सोचे ये परम त्याग, सबसे बड़ा त्याग किया है, संसार की वस्तुओं का त्याग करके एक लंगोट पहन करके भगवान के उसमें मग्न रहना, ये त्याग नहीं है. ये तो हमने निम्न का त्याग किया उच्च के लिए. हम उनकी पूजा करते हैं, इन सन्यासियों की, लेकिन असली त्याग जिसने अपने सच्चिदानंद स्वरूप को त्यागा, उसको संवरण किया अंदर में और धरती के अचित अंधकार निश्चेतना में चले आए. किस लिए? ताकि हम अपनी संतान को वे बचा सके, उनको वापस ले जा सके. इस त्याग, इस करुणा के कारण हमारे हृदय में स्वतः ही कृतज्ञता और प्रेम और भक्ति का भाव जागना चाहिए. तो इसलिए टू लव हिम एंड टू गिव वन सेल्फ अनडिजर्वेडली. अनडिजर्वेडली का क्या मतलब है? कि हम कोई अच्छा हम करेंगे काम, लेकिन हमको क्या फायदा होगा? तो जहां ये फायदा नफा नुकसान, तो भगवान कहते हैं तुम अभी रहो अपनी जगह पर. क्या हमको ये काम करेंगे तो हमारे लिए ये चीज सरल हो जाएगी? क्या हमको योग में ये होगा, हमको धन धान्य मिलेंगे? क्या हमारे बच्चों का कष्ट दूर होगा? क्या सबको एडमिशन मिल जाएगा? एक बात श्री अरविंद बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान उनको वो जो मांगते हैं वो दे देते हैं. लेकिन जो भगवान से कुछ नहीं मांगते और स्वयं को भगवान को दे देते हैं, उनको भगवान भी स्वयं को पूर्णता दे देते हैं और साथ में वह सब कुछ भी दे देते हैं जो उनको चाहिए होता है. तो अगर हम इसको देखें तो ये कितना अद्भुत है. अनरिजर्वेडली, किसी डिमांड से नहीं, किसी इस भाव से नहीं कि मुझे इससे क्या लाभ होने वाला है, किसी बिना किसी नफा नुकसान नाप तोल के जब हम अनरिजर्वेडली, ये नहीं कि हमने ये एक भाग तो भगवान को दिया, दूसरा भाग रिजर्व रखा है अपने अहंकार के लिए कि मैं विचार से तो भगवान को स्वीकार करूंगा लेकिन हृदय से नहीं मानूंगा, कि मैं हृदय से तो स्वीकार करूंगा लेकिन मैं अपने प्राण की ऊर्जा अपने अहंकार के भरण पोषण के लिए लगाऊंगा. दीदी बड़ा सुंदर अभी माता पुस्तक से जो प्रथम चैप्टर पढ़ रही थी, यही तो है वो प्रथम चैप्टर, कि एक भाग में हम देंगे लेकिन दूसरे भाग में नहीं देंगे. और यदि मैं इनमें भी दूंगा, शरीर को नहीं दूंगा, शरीर को तो मैं बस आसुरिक वृत्तियों में, आसुरिक कर्म में लगाऊंगा. तो इस तरह करने से क्या होगा? हमारे ही अंदर एक द्वंद्व प्रारंभ होगा. एक ओर भगवान की शक्ति, दूसरे ओर वे शक्तियां, आसुरिक शक्तियां जिनको हम दे रहे हैं अपने आप को. रिजल्ट क्या होगा ये हम सब जानते हैं, कौन विजयी होगा ये हम सब जानते हैं, लेकिन नुकसान किसका होगा? हमारी ही चेतना का. ये नहीं कि ग्रेस हमसे दूर चली जाएगी, किंतु हम ग्रेस के विमुख हो जाएंगे. हमें उतना लंबा समय लगेगा, हमारे मार्ग में उतनी कठिनाइयां आएंगी. इसलिए ये उचित है ये समझना कि अनरिजर्वेडली जब हम समर्पण करते हैं भगवान के काम के प्रति, ये एक तीसरी चीज कह रहे हैं कि टू गिव अनरिजर्वेडली टू हिम एंड हिज वर्क, उनके काम के प्रति. तो क्या है श्री अरविंद का काम? क्या सेंटर में काम करना उनका काम है? क्या ऑर्गेनाइजेशन में काम करना? क्या आश्रम में ज्वाइन कर लेना जहां हमको काम मिले वो श्री अरविंद का काम है? क्या एक गृहिणी जो रोज अपना
दैनंदिनी कर रही है, परिवार का भरण पोषण कर रही है, देखभाल कर रही है, क्या ये भी माँ का काम है? हो सकता है एक व्यक्ति जो परिवार का भरण पोषण कर रहा है, क्या वो भी माँ का काम है? तो ये काम क्या है, कैसे होता है, कहाँ होता है? ये सब माँ के काम हो सकते हैं, श्री अरविंद के काम हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि हम ये सब करें लेकिन श्री अरविंद का काम ना कर रहे हो। तो यहां पर माँ हमको क्लू एक और देती है कि श्री अरविंद का काम क्या है। उनसे पूछा गया था रेमिनिसेंसेस, आप कुछ अपने बारे में बताइए, आप कैसे आई, क्यों रह गई? तो माँ बताती है, द रेमिनिसेंसेस विल बी शॉर्ट, संक्षेप में मैं अपना जीवन बताऊंगी। आई केम हियर टू मीट श्री अरविंद। कितनी अद्भुत बात है, मैं क्यों आई यहां पर पांडिचेरी भारतवर्ष श्री अरविंद से मिलने के लिए। मैं कोई पर्यटन करने नहीं आई, देखने नहीं आई, टूरिज्म के लिए नहीं आई, कोई अपना फायदा नहीं देखा, मैं केवल श्री अरविंद से मिलने के लिए आई। और क्यों आई उसके पीछे हम सब जानते हैं, जो माँ श्री अरविंद की कहानी है। आई लिव्ड हियर टू बी विद श्री अरविंद। एक ही कारण है, एक ही आकर्षण है, कोई और बाहरी चीज उनको नहीं बांध रही है, कोई सत्ता, कोई धन, किसी चीज का पोजीशन, पावर कुछ नहीं चाहिए उनको, केवल श्री अरविंद, टू लिव विद श्री अरविंद। एंड जब श्री अरविंद शरीर से पीछे चले जाते, आफ्टर ही विड्रू, आई कंटिन्यू टू बी हियर टू डू हिज वर्क। क्यों मैं यहां पर हूं? उनका काम करने के लिए। और वहां पर बताती है कि काम क्या है उनका, विच इज बाई एनलाइटनिंग मैनकाइंड, मनुष्य के अंदर एक प्रकाश लाना। हिज वर्क बाई एनलाइटनिंग मैनकाइंड टू हेसन द रूल ऑफ डिवाइन लव अपॉन अर्थ। सो अब वो बताती हैं कि आई केम हियर टू लिव टू मीट श्री अरविंदो, आई लिव्ड हियर टू बी विद श्री अरविंदो, एंड आफ्टर हिज विड्रॉल आई कंटिन्यू टू बी हियर टू सर्व हिम बाई एनलाइटनिंग मैनकाइंड एंड हेसनिंग द वर्क ऑफ डिवाइन एडवेंट ऑफ डिवाइन लव अपॉन अर्थ। तो प्रोग्रेस, प्रगति की के लिए, मनुष्य के अंदर प्रकाश बढ़े, मनुष्य के अंदर आशा बढ़े, ये असल काम है। हम लोग माँ श्री अरविंद का बाहर से काम कर रहे हैं लेकिन हम वो सब कुछ करें जो उसके विपरीत हो, जो बिल्कुल उसके अगेंस्ट हो, तो वो तो श्री अरविंद माता जी का काम नहीं हो सकता है। एक सेकेंड में वो पूरा मैसेज वो पढ़ूंगा, बहुत सुंदर है। उसे माँ बताती हैं कि श्री अरविंद का काम क्या है, वो मेरे पास है, एक क्षण, बहुत ही सुंदर है, एंड वी मस्ट रीड इट इन फुल। हाँ, यहाँ पे माता जी बताती हैं कि I came to India to meet Sri Aurobindo. I remained in India to live with Sri Aurobindo. When he left his body, I continued to live here in order to do his work, which is by serving the truth. ये एक important कड़ी है, and enlightening mankind to hasten the rule of the divine's love upon earth. तो पहली चीज इसमें है serving the truth. अब truth क्या है? Truth वो है जो हमारी soul के अंदर है। ट्रुथ क्या है? ट्रुथ भगवान का सत्य है। फॉल्सहुड क्या है? ये सारे कोड, जब हम अपने एम्बिशन के लिए माँ श्री अरविंद का कार्य करते हैं, जब हमारे हम अपने एग्रेंडाइजमेंट के लिए, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए, जब हम कुछ पाने की आकांक्षा से, जब हम मन प्राण शरीर के लिए माँ श्री अरविंद का कार्य करते हैं, तो वो एक कोर्ट ऑफ फॉल्सहुड के लिए हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन ट्रुथ की सर्विस क्या होती है? पहली चीज अपनी सोल को सुनना, क्योंकि ट्रुथ यहां पर है, हमारे मन प्राण शरीर में नहीं है। ट्रुथ क्या होता है? ट्रुथ की सेवा क्या होती है? माँ श्री अरविंद ने जो कहा है उसको ओबे करना, जो कार्य उन्होंने दिया है उस पथ पे चलना, तो सर्विंग द ट्रुथ, ये पहली चीज है। दूसरी है एनलाइटनिंग मैनकाइंड, मनुष्य को किस चीज की जरूरत है? रोटी, कपड़ा, मकान ये देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उसको दिशा भटक गया है, वो ये नहीं जानता है कि उसको किस मार्ग पर जाना है, लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है, कैसे पहुंचना है। और ये एनलाइटनमेंट हम कई प्रकार से, पहले हमको अपने अंदर प्रकाश को लाना है, और जब हमारी अपनी चेतना प्रकाशित होगी, सत्य से अप्लावित होगी, तो स्वतः ही वो प्रकाश और सत्य संसार में विकीर्ण होगा। तो एनलाइटनिंग मैनकाइंड एक उदाहरण बनकर संसार में कि एक उत्कृष्ट जीवन, एक सच्चा जीवन, एक प्रकाश में जीवन क्या होता है। और तीसरी चीज वो कहती है टू हेसन द रूल ऑफ एडवेंट ऑफ डिवाइन लव अपॉन अर्थ। भागवत प्रेम इस संसार में आए। भागवत प्रेम क्या चाहता है? इस संसार में बंधुत्व चाहता है।
यदि हम आपस में झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे, घर परिवार में झगड़ते रहेंगे, बाहर झगड़ते रहेंगे, केंद्र में झगड़ते रहेंगे, आश्रम में झगड़ते रहेंगे, संसार में झगड़ा करते रहेंगे, तो ये डिवाइन लव का रूल कहां से आएगा? डिवाइन लव का अर्थ है मैत्री करुणा एवश्च, और केवल वो मनुष्य के लिए नहीं, सारी सृष्टि में, सृष्टि के एक एक जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी जड़ पदार्थ नदी नाले पहाड़ पर्वत भूमि आकाश सबको प्रेम करना। और सच में अगर हम प्रेम करेंगे तो क्या हम उसको प्रदूषित करेंगे? यानी वे लोग जो इस संसार में विश्व बंधुत्व का काम कर रहे हैं, सच में ये कहने की चीज नहीं है, विश्व बंधुत्व केवल भगवान के आधार पर आ सकता है। तो जो लोग इसमें कार्यरत हैं, जो सृष्टि से प्रेम करते हैं, जो सृष्टि की एक एक जीव जंतु क्रीचर से प्रेम करते हैं, जिनके अंदर सबके प्रति एक मैत्री भाव है, करुणा का भाव है, वे वास्तव में किसी न किसी रूप में डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिवाइन लव की एडवेंट के लिए प्रयासरत है। लेकिन डिवाइन लव के लिए सबसे सुंदर प्रयास है, जब श्री अरविंद से किसी ने पूछा था हाउ टू क्रिएट कलेक्टिव हार्मनी, इस संसार में सब झगड़ा करते हैं, यहां भी झगड़ा कर रहे हैं वहां भी, तो ये हम कैसे इस हार्मनी लाए? तो श्री अरविंद ने एक शब्द में कहा था यूनियन इन द मदर। अभी हम लोगों से जुड़ते हैं बाहरी माध्यम से, कभी स्टेट के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, जाति के माध्यम से, देश के माध्यम से, अब हम लोगों से जुड़े इस माध्यम से कि हम सब जगन माता की संतान है, यूनियन इन द मदर। इस भाव से सबको देखें कि ये माँ की संतान है, इस भाव से सबसे मिले कि इनके अंदर जगन माता का वास है, इनके अंदर दिव्य जननी का वास है, तो इस भाव से हम जीवन जीने लगते हैं तो हम उनका कार्य करते हैं, और जब उनका हम कार्य करते हैं तो हम उनके करीब आने लगते हैं। जब हम उनके करीब आते हैं, जैसे जैसे हमारी चेतना पहले उनके ऊर्जा मंडल में प्रवेश करती है, फिर धीरे धीरे यदि हम उसके ताप को सहन कर सकें, क्योंकि भगवान के पास जाने का ताप बाहर से पास होना एक बात है, लेकिन अंदर में तो वो ताप को यदि हम सहन कर सकें, इसीलिए तप करना होता है, तप यानी वन पॉइंटेड होना। अगर एक ओर हम भगवान की ओर जा रहे हैं, दूसरी ओर कोई चीज हमको खींच रही है, तो अंदर में बहुत द्वंद्व होगा, लेकिन उस ताप को यदि हम सह सकें और अंदर घुसते चले जाएं, मार्ग में बहुत अवरोध आएंगे, बिना उनकी चिंता किए ग्रेस को इन्वोक करते हुए, सब कुछ उनको ऑफर करते हुए, सब कुछ अपने साथ लेकर, जो भी हमारे मार्ग में आ रहा है उसको साथ लेकर के माता जी की ओर चलते चले जाएं, तो धीरे धीरे एक समय आता है जब हम उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, और तब हमारे सामने श्री अरविंद क्या कहना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग वो हमारे अंदर आती है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के पहले एक और चीज आती है, और माता जी वो बताती है, व्हेन यू रीड श्री अरविंदो यू शुड बी इन ए स्टेट ऑफ क्वाइट्यूड, इनर क्वाइट्यूड। जब हम इस भाव से पढ़ते हैं, अच्छा हम क्यूरियस पढ़ें क्या लिखा है, जब हम इस तरह की चीजें करते हैं कि अच्छा श्री अरविंद ने ये कहा है, लेकिन वेदांत में मैंने ये पढ़ा था, फला डॉक्टर ने ये कहा है, इस ऑथर ने वो कहा है, तब हम मार्ग से भटक जाएंगे। ये कुछ ऐसी बात है कि हम समुद्र में गए समुद्र में नहाने के लिए, और हमको याद आ रहा है कि हम अपने पोखर में कैसे नहाते थे, हम उसी तरह से समुद्र के अंदर व्यवहार करें, यदि हम वैसा व्यवहार करेंगे तो कुछ क्षणों में हम डूब जाएंगे। तो हमको समुद्र में समुद्र की भाषा, सारे नदी नालों की भाषा हमको समुद्र की भाषा नहीं समझा सकती है। तो जब हम इस महासमुद्र श्री अरविंद के सामने खड़े हैं, तो विनम्रता के भाव से शांत होकर क्वाइट होकर इस विश्वास के साथ कि जो हमको समझना है वे स्वयं समझाएंगे। कितनी सुंदर बात श्री अरविंद ने भी बताई है और हमारे रामचरितमानस में भी आती है कि कौन जान पाता है भगवान को, सो जाने ही जिन राम जनाई, वे जान पाते हैं जिनको भगवान स्वयं कहते हैं कि हम तुमको समझाएंगे। तो जब हम उनके सामने, हमको कठिन लगती है माँ श्री अरविंद की वाणी, कठिन है, माँ की डायरेक्ट है, कन्वर्सेशनल है तो आसान है, श्री अरविंद की रिटन है, रिटन एक्सप्रेशन हमेशा कठिन होता है, क्योंकि वो एक उच्च, वो तो महागंगा है, लेकिन कन्वर्सेशनल वो गंगा का बहाव है, ये दोनों में अंतर है। महागंगा अवतरित होती है, पूरे हिमालय से प्रचंड वेग के साथ आ रही हैं, उनको सहन करने के लिए शिव की जटा चाहिए, और वही गंगा वो जब धरती पर बहने लगती हैं, वो एक कन्वर्सेशनल मोड है। तो हम ये कह सकते हैं कि श्री अरविंद वो महागंगा है जो प्रचंड वेग से आ रही है, और श्री माँ उसको धारण करके उस गंगा को पूरे संसार में प्रवाहित कर रही है। तो दोनों में अंतर है, लेकिन एक तरीका है, जब हम उनके सामने खड़े हों तो शांत शिव की तरह रिसीव करें, हम उनसे कहें कि हमको नहीं समझ आता है, हम अपने मन को क्वाइट करें,
डिक्शनरी लेके श्री अरविंद को हम नहीं समझ सकते हैं, और बैठ करके शांत होकर इस भाव से प्रभु जितना समझाना है हमें समझाइए। तो हम देखेंगे कि जैसे 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 जब एक बार दो बार तीन बार जैसे जैसे हम उनको बार बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे नए डोर्स और विंडोज खुलेंगे। क्यों? क्योंकि हिज टीचिंग इज इनफाइनाइट। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारे ही ब्रेन के अंदर प्रकाश के कण बनते जा रहे हैं, हमारी सेल्स के अंदर एक नया प्रकाश भरता जा रहा है। जो रैशनल माइंड जो एनालाइज करके चीजों को समझता था, अब उसके अंदर एक स्वतः स्फूर्त एक अंतर्भाषयुक्त ज्ञान, एक प्रेरणादायक स्रोत कोई चीज खुल गई है, और जो हमको समझना होता है वो यूं डायरेक्ट एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग के थ्रू समझ आता है। तो ये तरीका है श्री अरविंद माता जी के ओर बढ़ने का, प्रेम के द्वारा, मन को शांत रख के, भक्ति के द्वारा, उनकी सेवा करके। और कैसी सेवा? अनडिजर्व सेल्फ गिविंग। और क्या है उस सेवा का मूल तत्व? क्या है वो? है सत्य की सेवा। हम मिथ्यात्व के साथ, झूठ के साथ, झूठ बोलकर, झूठ की दुनिया में जीकर हम श्री अरविंद की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि श्री अरविंद की सेवा का मतलब है सत्य की सेवा। बड़े सुंदर ढंग से श्रीमा ने, जब किसी ने पूछा कि हम भारतवर्ष को की सेवा करना चाहते हैं क्या करें, तो माने एक मंत्र दिया था, और मंत्र क्या था? सुप्रीम लॉर्ड इटर्नल ट्रूथ लेट अस ओबे दी अलोन एंड लिव अकॉर्डिंग टू ट्रूथ, परमोच्च प्रभु सत्यम नित्यम त्वामेव केवलम अनुवर्तामहे सत्यन सत्यम त्वामेव केवलम। यानी केवल सत्य को मानना। हम लोग इसको भी सुनते हैं, उसको भी मानते हैं, इसको भी जानते हैं, इसके हिसाब से भी चलना चाहते हैं। हमारे सामने माता पिता कुल बच्चे हस्बैंड वाइफ संसार समाज सबको सुनना चाहते हैं, लेकिन सत्य की वाणी भगवान की वाणी नहीं सुनना चाहते हैं। तो यहां सत्य की सेवा, सत्य को सुनना, सत्य के अनुसार चलना, सत्य धर्माय। सत्य यानी वो जो ट्रू चीज है, जो सत्य है, जो हमारे अंदर हमारी आत्मा के मार्ग से प्रकट हो रहा है, जो हमारे अंदर प्रस्फुटित हो रहा है, उसको सुनना, उसके अनुसार जीवन चलना। बहुत साहस चाहिए, अर्जुन भी कांप गया था। बहुत सिंसेरिटी चाहिए, सत्य निष्ठा चाहिए। और दूसरी चीज कहते हैं, मां कहती हैं कि टू एनलाइटन मैनकाइंड। ये एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है। हम समाज में रहते हैं, समाज में बहुत सारी चीजें हैं जो सुंदर नहीं है। हमको वहां पर एक प्रकाश लाना, एक नया प्रकाश, और वो नया प्रकाश हम सबके पास है माँ श्री अरविंद की वाणी के रूप में। लेकिन उस प्रकाश को एक्टिवेट करना है। जैसे कि हम अगर सामने विटामिन की कैप्सूल हो, हम उसको रोज देखते रहें तो हमारे अंदर विटामिन का कोई तत्व नहीं जाएगा, हमको उसको खाना पड़ेगा। तो पुस्तकें हैं, हमको पहले उसको भोजन करना है, उनको पढ़ना है, उसके बाद वो विटामिन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, उस प्रकाश को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है। और एब्जॉर्ब करने का सबसे सुंदर माध्यम है उस सत्य को जीना। तो जैसे जैसे हम उसको जीते हैं, जैसे जैसे हम उसको अपने अंदर रिसीव करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वैसे वैसे हम स्वयं इस संसार में एक प्रकाश के बिंदु बन जाते हैं या प्रकाश के टॉर्च बन जाते हैं। और उपस्थिति मात्र से ही भगवान हम लोगों को उनका एक यंत्र बना के, जो दुर्गा स्रोत में हम लोगों ने पढ़ा कि हमको ऐसी तलवार बना जो अशुभ का विनाश करे और प्रकाश और शुभ को हमारे सामने प्रकट करे, ऐसी तलवार बना। तो वैसी हम लोग तलवार बन जाते हैं। और अंत में वो कहती हैं कि तीसरा जो काम है वो उनकी सेवा करना और इस संसार में डिवाइन लव को लाना। यही हम लोगों का कार्य है। और जैसे जैसे हम उनकी सेवा के भाव से, भक्ति के भाव से, शांति से स्वयं को प्रस्तुत करके, विनम्रता के भाव से, समर्पण के भाव से, सिंसेरिटी के भाव से, कृतज्ञता के भाव से हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि हे प्रभु, हमारे अंदर अनेकों अक्षमताएं हैं, बहुत डिफेक्ट्स हैं, लेकिन आपको हम सौंप रहे हैं, आप जैसा करो, आप इस घड़े को, आप इस पात्र को, आप इस यंत्र को सुंदर बनाओ। तो निश्चित रूप से श्री मां अपने हाथ में लेकर हमको तैयार करेंगी एक दिन उनकी सेवा के लिए। तो जब हम इस भाव से उनके ओर बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे जितना अधिक हम उनके समीप आते हैं, जितना अधिक हम उनके संपर्क में जीने लगते हैं, जितना अधिक हम उनके वातावरण में सांस लेने लगते हैं, जितना अधिक हम उनसे एक होते जाते हैं, उतना अधिक हम उनसे उन्हें समझने लगते हैं। किंतु फिर भी हम कितना भी क्यों ना समझ जाए, हमें ये सदैव पता होना चाहिए, अविज्ञातम विजानता अविज्ञातम अविजानता, कि हमें सब कुछ अगर लगता है कि समझ आ गया तो भी श्री अरविंद हमसे परे हैं।
और यदि कोई चीज हम समझ रहे हैं तो ये हमारा प्रयास नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, ये केवल उनकी कृपा है। इस भाव से हमको जीवन चाहिए, जीना चाहिए कि वे अनंत हैं, और यदि हम उनकी ओर खुले तो वो हमारे अंदर प्रकाश, समझ, सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसको प्रश्न के रूप में ले, हु कैन अंडरस्टैंड शेरविंदो, तो हम ये कह सकते हैं कि जो शेरविंद से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पूरी तरह अपने आप को उनके कर्म के प्रति निवेदित कर सकते हैं, वे ही शेरविंद को थोड़ा बहुत उनकी कृपा से, श्री माँ की कृपा से समझ सकते हैं, वरना वो अनंत हैं, अपार हैं, और मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की समझ से बहुत दूर है, वो भविष्य है, हम वर्तमान और पास्ट हैं। श्री अरविंद के बारे में माँ एक बहुत सुंदर बात कहती हैं, जिसके साथ हम लोग बंद करेंगे यहाँ। शोरबिंदो डज नॉट बिलोंग टू द पास्ट और टू हिस्ट्री। तो फिर क्या है श्री अरविंद? शोरबिंदो इज द ल्यूमिनस फ्यूचर एडवांसिंग टुवर्ड्स इट्स ओन रियलाइजेशन। श्री अरविंद वो ज्योतिर्मय भविष्य है जो उस दिशा में चलते चले जा रहे हैं, उस भविष्य को हम सबके लिए प्रकट करने, हम सबके लिए बनाने के लिए, कुछ ऐसे ही जैसे श्री कृष्ण तो आगे चले जा रहे हैं बांसुरी बजाते हुए। हम सोना पसंद करेंगे या गोप गोपियों की तरह उस बांसुरी की तान को सुनकर मध्य रात्रि में चल पड़ेंगे, दौड़ पड़ेंगे, स्वयं को पूरी तरह उनके चरणों में डालकर भाव विवल होकर उनसे कहेंगे, हे प्रभु हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपके हैं। माँ 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 वर्तमान गोटे मिनिट मांग नाम जप करने सहित आज पाठ चक्र को समाप्त कर